एक्सरसाइज 13.1 में क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि एक खिलौना जिसकी त्रिज्या दे रखी है 3.5 सेंटीमीटर शंकु के आकार का है, जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अत्यारोपित है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई कितनी है? 15.5 सेंटीमीटर। तो आपको बताना है खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। संपूर्ण क्षेत्रफल आपको बताना है, टोटल सरफेस एरिया बताना है। बच्चे आप एक बात देखिए, इसकी त्रिज्या कितनी गिवन है? 3.5 सेंटीमीटर। अच्छा बेटा, ये अगर त्रिज्या होगी तो ये भी त्रिज्या ही होगी, ठीक है। अच्छा, ये 3.5 है तो ये भी 3.5 होगा। इसका मतलब है कि यहां से यहां तक 3.5 हो गया, ठीक है। ये 3.5 हो गया। ये पूरी ऊंचाई 15 दी रखी थी, कितनी दे रखी है? 15 दे रखी है। तो इसका मतलब है कि ऊपर वाला हिस्सा कितना बचेगा? 12 सेंटीमीटर, क्लियर। अच्छा, त्रिज्या कितनी हो गई? अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले की 3.5, अर्धगोले की त्रिज्या कितनी हो गई? 3.5 सेंटीमीटर। बात क्लियर है? अच्छा, उसके बाद कह रहे हैं कि शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई बतानी है। शंकु की ऊंचाई कितनी होगी? 15.5 माइनस में ये वाला हिस्सा कम हो जाएगा, ये ऊंचाई बचेगी। ऊंचाई तो 3.5 यही है, ठीक है। अच्छा, 3.5 सेंटीमीटर कितना बचेगा बेटा? 12 सेंटीमीटर। बात क्लियर है? अच्छा, अब आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि ये 12 सेंटीमीटर ऊंचाई होगी। अच्छा, शंकु की त्रिज्या सेम होगी, जो क्योंकि शंकु की त्रिज्या भी सेम है और अर्धगोले की त्रिज्या भी सेम है। बात क्लियर है? अब आपको बताना है कि इसका कुल क्षेत्रफल, ये जो मॉडल बन रहा है, ये जो डायग्राम बन रहा है, ये जो खिलौना है, खिलौने का कुल क्षेत्रफल बराबर, खिलौने का कुल क्षेत्रफल कितना होगा बेटा? इसमें दो चीजें जुड़ेगी, ये भी जुड़ेगा क्षेत्रफल और ये पूरा क्षेत्रफल जुड़ेगा। तो इसमें क्या जुड़ेगा? वक्र पृष्ठीय, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का वक्र, वक्र मतलब होता है कर्व्ड सरफेस एरिया, वक्र को बोलते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस, शंकु का वक्र पृष्ठीय है क्षेत्रफल जमा, जमा क्या जमा करेंगे बेटा? अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या आएगा? अर्ध गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेटा शंकु का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर एल प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? 2πr², ठीक है। अच्छा, सबसे बड़ी समस्या है कि हमारे पास एल नहीं है, तो एल निकालने का क्या फॉर्मूला होता है? एल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? एल निकालने का √h² + r² H की वैल्यू कितना बेटा? 12। H की वैल्यू कितनी है? 12। त्रिज्या कितनी है? 3.5, ठीक है। अच्छा, इनका जब आप सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो, कितनी हो जाएगा? 144 और प्लस और इसका स्क्वायर आप करोगे तो इसका स्क्वायर कितना होगा? 1225। ये वैल्यू कितना हो जाएगा? 156.25 की वैल्यू आप निकालेंगे, 156.25 की वैल्यू आप निकालेंगे तो वैल्यू कितनी हो जाएगी? एल की वैल्यू हो जाएगी आपकी 12.5 सेंटीमीटर। कितनी हो जाएगी? 12.5 सेंटीमीटर। अब देखिए, पाई की, इसमें से पाई कॉमन ले सकते हो, आर कॉमन ले सकते हो, क्योंकि आर दोनों का सेम है, त्रिज्या दोनों का सेम है, इसलिए क्या कॉमन आ सकता है बेटा? पाई कॉमन आ जाएगा। क्या कॉमन आ जाएगा? पाई कॉमन आ जाएगा और आर कॉमन आ जाएगा, बचेगा क्या? एल, और इधर क्या बचेगा? आर। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3.5/10 कर सकते हैं इसको काट के, ठीक है। अच्छा, ब्रैकेट के अंदर एल की वैल्यू कितना है? 12.5, इसको भी पॉइंट काट के इसको 10 कर सकते हैं, पर 2 हो गया। फिर रेडियस कितना हो गया 35/10 कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद बच्चों जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो गया? इधर कितना हो गया? 11, और कितना हो जाएगा? 11 × ये कितना हो जाएगा? 125 जमा में ये 35 × 70, ठीक है, बटे में 10, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे, इसको सॉल्व करोगे 11 × में, इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा? 200
सॉरी 195 कितना आएगा ये 195 बटे में 10। इसको जब आप काटोगे तो कितना आ जाएगा 19.5 को जब आप 11 से गुणा करोगे तो इसको जब आप गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा 214.5 सेंटीमीटर सही क्लियर है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी नई वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए आप बगल में जो बेल आइकन है उसको जरूर प्रेस करें।